हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए वीडियो पे। इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ कि पबजी मोबाइल को बैन होने के बाद कैसे डाउनलोड करना है। तो देखिए, आज का तारीख है सितंबर 7, मंडे है, 2020 भी है। तो ये देखने के बाद आपको मैं आज का डेट गूगल पे सर्च करके भी दिखा देता हूँ। तो देखिए, आज का डेट है ये, तो सही है। तो ये पबजी बैन होने के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ और आपको दिखा देता हूँ कि कैसे पबजी बैन होने के बाद इसको इंस्टॉल करना है गूगल प्ले स्टोर से। तो पहले आपको मैं इधर से दिखा देता हूँ कि क्या हो रहा है मेरा। तो देखिए, ये रहा पबजी आ रहा है। तो पबजी क्यों आ रहा है ये, तो देखिए साइड में देखिए प्ले पॉइंट्स और प्ले पास का ऑप्शन है। तो ये मैंने यूएसए सर्वर से कनेक्ट किया है, तो मेरे दूसरा अकाउंट जो रियल अकाउंट है मेरा यूज करता हूँ उसमें सर्च करने पर नहीं आएगा, क्योंकि ये इंडिया पे कनेक्टेड है, मतलब इंडिया में ही है। मगर ये वाला जो अकाउंट है ना, वो वीपीएन से कनेक्टेड है, और वीपीएन से कनेक्ट करने के बाद मैंने पबजी मोबाइल, मतलब सॉरी पबजी नहीं, प्ले स्टोर को कनेक्ट किया था ताकि मैं रिवार्ड्स ले सकता हूँ, ले सकूँ गेम के अंदर, और मैंने इससे रिवार्ड लिया भी है। तो आपको भी यही करना है। तो कैसे करना है, मैं अगर अगर वर्क करता है, कल मैं इंस्टॉल कर पाता हूँ तो आपको ज़रूर बता दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपको 1.0.0 का अपडेट करना है तो कल का वीडियो ज़रूर देखना। अगर ये वर्क करता है तो मैं आपको पक्का बताऊंगा कि कैसे इंस्टॉल करना है 0.1.0।